नमस्कार, आप देख रहे हो डीपी के न्यूज। आज हमारे साथ बोयल, जो ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच का इलेक्शन हो रहा है, तो वहाँ से खुदा बख्श जी हमारे साथ हैं, जो सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान के अंदर हैं। इनसे बात करेंगे भी सरपंच क्यों बनना चाहते हैं और पंचायत में क्या प्रमुख समस्या है, अगर यहाँ की जनता इनको मौका देती है तो उसका समाधान करेंगे। तो खुदा बख्श जी के बारे में बता देते हैं। खुदा बख्श जी देश की रक्षा करते करते और अभी सेवानिवृत्त हुए हैं और अभी पंचायत के अंदर इनका चुनाव, जो सरपंच बनना चाहते हैं पंचायत के अंदर, तो कौन कौन सा मुद्दा है पंचायत में लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो देश के अंदर इन्होंने सेवा करते करते अभी गांव की सेवा करने का जो मानस बनाया, क्यों बनाया? तो सर, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद जी। तो सर, जैसे आपने देश के अंदर सेवा की एक देश प्रेमी के रूप में, तो अभी जो गाँव की स्थिति बहुत खस्ता हालत है, जो आज बात करेंगे, पूरे भारत देश की पंचायत राज की जो स्थापना हुई वो राजस्थान से हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नींव रखी गई थी राजस्थान से वो कमज़ोर है, तो इसका कारण क्या है? यही हमारा राजनीतिक कारण ही है। सबसे ज़्यादा तो राजनीतिक मुद्दे हैं, सबसे ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते गाँव में, गाँव की तरफ ध्यान देते नहीं हैं। अभी दानिया में देखो, सड़कें टूटी फूटी पड़ी है और लाइट भी टाइम से आती नहीं है। पानी की सबसे ज़्यादा पानी की समस्या दानियों में, और गांव में देखो, गांव में भी एकदम खस्ता हाल है। गांव में नालियां नुलियां देखो, कोई विकास की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। गवर्नमेंट तो चलो बजट देती है, लेकिन जो कार्यकर्ता है, मैं जो सरपंच बन गए, ज़्यादातर सरपंच भी इतना ध्यान नहीं देते हैं। उनको खास कर आगे आना चाहिए, आगे आकर के तन मन और अपना साथ बल्कि गाँव वालों के साथ, हमेशा उनके दिल में ये रहना चाहिए कि मैं गांव में ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मैं काम करूँ अपना जी। तो खुदा बख्श जी, जैसे आपने अभी आप बॉर्डर के ऊपर देश की जो रक्षा करके आए हो, लेकिन हमारा मानना है, हमने देखा है बहुत सा जो अभी जो चुनाव हो रहे हैं, जो ये जो जाति पाति को जो चुनाव लेकर हो रहा है, तो इसके अंदर जो देश के अंदर खुद से अपनों से ज़्यादा खतरा नज़र आ रहा है, और सबसे ज़्यादा जो नशा बढ़ रहा है जोधपुर के अंदर, हमने देखा है नशे की प्रवृत्ति, कब से युवा सबसे ज़्यादा नशे की तरफ जा रहे हैं। अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है, बोयल की जनता, तो इसके ऊपर आपका क्या रहेगा? तो सबसे पहले जो जैसे है, कुछ लोग हैं ऐसे ऐसे, उनको उनसे मिलाऊंगा, मिला कर सबको इकट्ठा करके बैठाऊंगा, समझाऊंगा भाई ये अपना खुद का भी शरीर का भी नुकसान है, दूसरा पैसों की बर्बादी है, उससे आपके संगत में जो बुरी संगत में बढ़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको इकट्ठा कर करके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा, उनको सबसे पहले उनके ऊपर प्रतिबंध लगाऊंगा कि ये गलत काम है, गलत इससे दूरी बना के रहो। तो खुदा बख्श जी, कौन सी मतलब कौन जनता के बीच में जा रहे हो, कौन कौन से मुद्दे हैं आपके जिसको ले आप चुनाव लड़ रहे हो? मैं अपने गाँव में सबसे ज़्यादा 36 कौम के साथ जाता हूँ, जो भी कौम है हमारे गाँव में, जैसे चौधरी हुआ, अपने जो भी कौम बिश्नोई हुए, जाट भाई हैं, और अपने हरिजन भी हैं, और जितने 36 गाँव में सबके साथ जा करके मिलजुल के मैं बोल रहा हूँ कि अभी 30-32 साल में देश में रक्षा करके आया हूँ, और वैसी ही मेरे दिल में यही भावना है कि मैं जितनी मैं वहाँ देश में की रक्षा बॉर्डर पे की, वही देश में गांव में एक सेवा का मौका दो आप लोग, सेवा जितना मेरे से होगा ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम कराऊँ, विकास का काम कराऊँगा। जो अब प्रॉब्लम है जनता के बीच में, गांव में जितनी प्रॉब्लम है, डांडियों में जैसे रोड नहीं है, कच्ची रोड है, हर डांडी में कच्ची रोड है, पानी की दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है, जो भी मेरे से जितना होगा हमेशा गांव वालों के बीच में सुबह शाम बैठ कर करूँगा, क्या क्या आपकी दिक्कतें हैं सबसे मिलजुल करके इकट्ठा करूँगा सबको। ये नहीं कि मेरे को इसने वोट नहीं दिया तो उससे मेरी नाराजगी है, कोई नहीं, जो वोट देगा उसका भी भला नहीं देगा उसको, सबको मैं दिल में यही लेके चलूँगा, सब पूरे गांव वालों ने मेरे को वोट दिया। तो खुदा बख्श जी, जैसे बात करेंगे प्रथम न्यायपालिका की, तो ग्राम पंचायत को प्रथम न्यायपालिका माना जाता है, लेकिन जनता को छोटे छोटे झगड़े के लिए थाना या कोर्ट जाना पड़ता है। अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो क्या जनता को सही न्याय मिलेगा? सही, पक्का सही न्याय मिलेगा। मैं थाने तक, वहाँ तक आगे कोर्ट कचहरी में जाने नहीं दूंगा, अपना बैठ करके सबको सलाह मशवरा करके इकट्ठा बैठ करके आपस में बैठ करके समझौता कराऊंगा, जितना कोशिश हो उनको आगे तक जाने नहीं दूंगा, ये तो मेरी खुद की इच्छा है जी। तो आपने देखा होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सी योजना आती है जो जनता तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ कागजों में ही सीमित रहती है, जनता तक धरातल पे काम नहीं करती। हमने देखा था ODF पंचायत हुई तो धरातल पे नहीं हुई, सिर्फ डॉक्यूमेंट में हुई। अगर आप या ये जनता आपको मौका देती है तो क्या वो योजना सही रूप से काम करेगी? पक्का, मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देखा भी है, सब जगह देखा, हर जगह रोडों पर जैसे मिट्टी डाल देते हैं, सिर्फ कागजों में डाली है, वहाँ पंचायत समिति में जाकर देखे पैसे उड़ जाते हैं, बोला आपके वहाँ इतना खर्चा बजट आ गया, इतना बजट उठ गया, इससे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। वहाँ गांव के बीच में जो भी सुविधा गवर्नमेंट दे रही है लोगों, गांव लोगों तक वो सुविधाएं नहीं पहुँच रही है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। और मेरा अगर मालिक ने चाहा, जनता ने मेरे को मौका दिया, तो मैं पक्का इसके ऊपर ज़्यादा से लोग जो भी है मैं हमेशा पूरा ध्यान रखूंगा इसके ऊपर, कहाँ कैसा है। खुदा बख्श जी, जैसे यहाँ के जो मतदाता है, यहाँ के जो वोटर है, उनको हमारे मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे आप?
मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाईचारा, सबसे पहले भाईचारा, जाति पात सब छोड़ दे, सबसे पहले अपना गांव है, गांव से ही शुरुआत होती है देश की, गांव हुआ, जिला हुआ, तहसील हुआ, यहीं से शुरुआत होती है, सबसे पहले भाईचारा, ना कि जाति ये सिंधी है कि ये मुस्लिम है कि ये जाट है कि ये बिश्नोई है ये राजपूत है, कोई नहीं, हमारे फौज में भी यही होता है, सबसे जब भर्ती हो गए हम तो जाति पाति सब छोड़ दिया, हमारा सबसे पहला धर्म है सिर्फ फौज, यही। तो ये थे हमारे साथ खुदा बख्श जी। तो अब की बार बोयल की जनता को तय करना है कि उनका सरपंच कैसा हो। हमारे कैमरामैन शोगी के साथ मैं सुभाष चौधरी। मैं खुदा बख्श, एक्स बीएसएफ, ग्राम पंचायत बोयल से ग्रामवासियों की सेवा के लिए चुनाव मैदान में उतरा हूँ, और मेरा चुनाव चिन्ह है बैट, बैट का चुनाव चिन्ह है, और गाँव वालों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके मेरे को विजयी बनाएं, और आपकी जो भी आपकी भावनाओं पे मैं खरा उतरूंगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा मेरे से, मैं हमेशा सुबह शाम रात दिन आपके बीच में रहूंगा, जो आपकी समस्याएं हैं हमेशा तत्पर सुनता रहूंगा, कोई भी मेरे से जितनी भी हो हेल्प, मैं किसी प्रकार की हेल्प होगी तो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।